अभी तो वैसे तो ज्यादा तो पार्टी के संबंधित बात हुई है कि किस तरीके से हमें आगे आगे ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज बढ़ानी है और किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है और किस तरीके से पार्टी और संगठन के बीच में जो है एक निरंतर प्रयास रहना चाहिए, उस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। बाकी जो प्रक्रिया है, जो घटना है, जो मीडिया में चलाया है, उस पर मैंने तो बिल्कुल साफ कहा है कि हम जो है सबसे पहले पार्टी के इंटरेस्ट हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, प्रदेश के लोगों के हित हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और उसमें जो भी कार्यवाही चली हुई है उसको कानून के दायरे में रह के, चाहे सुप्रीम कोर्ट के उसमें हियरिंग्स है, चाहे हाई कोर्ट का उसमें ऑर्डर्स है, उसको समय समय पर इम्प्लीमेंट करना ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो इसके लिए जो है एक बॉडी बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है, उसके माध्यम से भी उनकी सिफारिशें भी ली जाएगी। मगर ये बात बिल्कुल साफ है कि हिमाचल के हितों की रक्षा करना और उसको आगे लेकर जाना ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है और इससे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। मैडम सोनिया जी से मुलाकात करेंगे आप? नहीं, इस बारी तो नहीं, पर अगली बारी जब भी आएंगे, समय समय पर मिलते रहते हैं, उनसे भी मिलेंगे और राहुल जी से भी मिलेंगे। और इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई है? यही हुई है, संगठन को लेकर हुई है, सरकार के कार्यप्रणाली को लेकर हुई है, जो विकास कार्य चल रहे हैं उसको लेकर हुई है और जो ये जो मीडिया में मसला आया है उस पर भी हमने अपनी बात रखी है कि किस तरीके से इस पर वो चीज़ चल रही है। और जैसा मैंने कहा, हिमाचल के जो हित है उनको आगे लेकर चलना ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है और उसको हम पूरी मजबूती से आगे लेकर चलेंगे। लगता है आपके बयान को उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले से जोड़ना सही था या आपने वही कहा था? हमने ये कहा था कि हिमाचल का अपना परिपेक्ष है और हिमाचल के हितों की रक्षा करना हर दृष्टि से, चाहे वो हिमाचल की सोशल रूप से है, चाहे विकासात्मक योजनाएं हैं, चाहे प्रदेश के लोगों के इंटरेस्ट को वॉच करना है, ये हमारा दायित्व बनता है। मगर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी के जो डायरेक्टिव्स है उसको इम्प्लीमेंट करना ये भी हमारा दायित्व बनता है। तो मिलकर हमें सब चीज़ों को देखना है, मगर जैसा मैंने कहा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट विच हैव टू बी लुक्ड आफ्टर एंड उसको हम सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने का प्रयास करते रहेंगे। विपक्ष ने तो हरी झंडी दी है, जयराम साहब ने कहा है कि अगर सरकार फैसला लेती है तो विपक्ष का समर्थन सरकार को हासिल रहेगा इस मसले पर। तो निश्चित तौर से उसमें तो हमने कमेटी बनाई है, सर्वदलीय बैठक की मतलब क्या होता है, जिसमें उनका दल के लोग भी होंगे, हमारे दल के लोग भी होंगे और सब विचार करेंगे, मंथन करेंगे, मिश्रण निकलेगा। जब इतने सारे लोग बैठेंगे तो कुछ ना कुछ सकारात्मक चर्चा ही होगी, चर्चा जब होगी तो चर्चा प्रदेश के हित में होगी, उसको हम आगे लेकर जाएंगे। आपने लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कंगना रनावत जो है वो बड़बोलापन ज्यादा बोलती है, भविष्यवाणी करी थी तो वो सही निकल गई।